आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो बताया कि जो मार्केट है टू व्हीलर का सारा इलेक्ट्रिक है। खैर वो गाड़ियों का भी है, बाइक का भी, सबका अब इलेक्ट्रिक होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कांडी लगा दी है पेट्रोल के प्राइस के अंदर, अब लोग सब जा रहे हैं इसी की तरफ। तो अब जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, ओबियसली बात है टू व्हीलर की तरफ जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्ल्ड की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है इंडिया के अंदर, तो मतलब मानोगे? नहीं मानोगे ना, पता है मेरे को। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि जो सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर है कौन सी है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ डिटेल की, इजी प्लस की। ये काफ़ी सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और ये जो स्कूटर है उन लोगों के लिए ज़्यादा परफेक्ट है जो कमर्शियल यूज़ करते हैं, मतलब सामान की जो ढुलाई करते हैं या स्टॉल वगैरह लगाते हैं, उनके लिए काफ़ी परफेक्ट है। एक तो सस्ता, ऊपर से अच्छा और कच्ची है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि डिटेल की इजी प्लस के अंदर कंपनी क्या क्या ऑफर करती है, इसकी प्राइस कितनी है, और अगर आप लोगों को लेनी है तो कहाँ से ले सकते हो, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों को जानना है तो भाई ये वीडियो पूरी एंड तक देना, कहीं स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मैं वीडियो को। रिसेंटली इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक की जो डिमांड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है, जैसे कि मैंने काफ़ी बार बोला है। तो इससे चलते काफ़ी सारी कंपनी अब अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक निकाल रही हैं, जो चल रही है उनके अलावा भी है। तो इसके चलते ही एक कंपनी है डिटेल इंडिया, इसने भी अपनी एक नया स्कूटर लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक स्कूटर। और डिटेल इंडिया ने जो अपना स्कूटर लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका नाम इन्होंने रखा है डिटेल इजी प्लस। और इसकी जो सेल है अब ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लेना चाहते हो कहीं से भी इंडिया में तो ले सकते हो बड़े आराम से इसकी वेबसाइट जाके। तो बाकी वापस आते हैं वीडियो पर कि इसके स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी रहोगे, इसका जो लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जो हमारी लूना बाइक आती है उसको टक्कर देने वाला है, क्योंकि इस बाइक की जो कीमत है सिर्फ 40,000 रुपये है, जिसमें GST शामिल नहीं है। इसके अलावा आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाके भी खरीद सकते हो, जो कि आपको एक टोकन अमाउंट देना पड़ेगा वहाँ पे, जो है 1,999 रुपये। और मैं यही बता दूँ कि जो आप टोकन अमाउंट दोगे वो रिफंडेबल भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल होगा। अगर आप लोगों को कैंसिल करनी तो कैंसिल भी कर सकते हो बड़े आराम से। और मैंने इसकी वेबसाइट जाके चेक भी किया था बुकिंग कराने के रिलेटेड कि हाँ इसकी आगे की पेमेंट कैसे करनी है। तो आपको इसकी जो बाकी की पेमेंट है वो 7 दिन के अंदर करनी होगी, जो इसकी बाकी पेमेंट बाकी बच गई है वो, मतलब जो आपने बुकिंग की है जिस डेट को की है उसके 7 दिन के अंदर आपको बाकी अमाउंट भी पे करना होगा, तब जाके आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी। तो बात कर लेते हैं अब इस स्कूटर के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, इसके स्पेसिफिकेशन ड्राइविंग नहीं वगैरह बात कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 2 बैटरी मिलती हैं जो कि स्वैपेबल होती हैं, मतलब रिमूवेबल होती हैं, निकाल कर आप कहीं भी चार्ज कर सकते हो। और कंपनी ये क्लेम करती है कि सिंगल चार्ज पे 60 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है, मतलब एक बैटरी पे आप 60 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ले सकते हो। मतलब अगर 2 बैटरी ले जा रहे हो तो उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हो 100 किलोमीटर के आसपास बन जाएगा। इस स्कूटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 मिलीमीटर का है, और साथ ही कंपनी ने ये दावा किया है कि ये जो स्कूटर है 5 किलो से लेकर 250 किलो तक का वजन कैरी कर सकता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन सब जगह अलग अलग मिलेगी, मगर कहीं 250 200 होगा, कहीं 170 होगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन होगी, मगर ये है मोटा मोटा उन्होंने कहा है कि विद पर्सन 250 के आसपास होगा लगेज के अलावा। इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। इसमें आपको अलग अलग गियर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, क्योंकि स्क्रीन में मैंने इसकी पर्सनल वीडियो बनाई है, मतलब खुद जाके वीडियो बनाई, तो आप इसकी मेरी वीडियो देख रहे हो, इस पर मेरा कॉपीराइट है। इसकी स्पीड कम होने के कारण इसको चलाने के लिए आपको DL की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी की पेपर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे RC हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया टॉप स्पीड इसकी 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। और इसको चलाने के लिए आपको DL इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मैक्सिमम टू व्हीलर्स होते हैं उनको जो पावर देने वाली बैटरी होती है और उनमें जो आउटपुट निकलता है वो 250 वाट से कम होता है, और उनकी टॉप स्पीड 25 से कम होती है। इसीलिए जो हमारा CMVR है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, उसके अकॉर्डिंग इन सबको ई बाइक की कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए इन बाइकों को चलाने के लिए या स्कूटर को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती आपको। और जब मैं लॉन्च पे गया था इसकी तो उनके ओनर से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि इसके बहुत सारे ऐसे चार्जिंग स्टेशन है और इसको चार्जिंग करना इतना आसान है कि आप इसको कहीं भी चार्ज कर सकते हो और किसी भी पावर आउटलेट से चार्ज कर सकते हो, नॉर्मल वाला भी जो आपके घर में अवेलेबल है उससे भी, ताकि आपको कन्वीनियंस रहे। फिलहाल तो ये डिटेल इंडिया का जो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है डिटेल इजी प्लस, ये सिर्फ आपको 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। पहला तो है सिल्वर ग्रे और दूसरा है मेटेलिक रेड, जिसकी मैंने टेस्ट राइड भी ली थी, जो आप वीडियो देख रहे होगे ऑब्वियसली बात है। और इस मोपेड या इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं दोनों साइड, फ्रंट और रियर में। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं और ये उनमें सबसे सस्ता है, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्कूटर है जो डेली बेसिस के लिए सामान ले आते हैं या इस चीज़ में डील करते हैं या स्टॉल वगैरह लाते हैं, जैसे फेरी वाले हो गए, उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कूटर है, क्योंकि इसके अंदर अटैचमेंट काफ़ी मिलती है जिससे आप लोग
आराम से लगा सकते हो और आराम से यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोग इसी पर्पज के लिए कोई सर्च कर रहे थे कि भाई सस्ते में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाए हमें डेली बेसिस के लिए सामान ले जाने लाने ले जाने के लिए, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। वरना तो भैया आपको यहाँ पे लाल बटन दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब वाला वो भैया फ्री है, तो वो दबा के जाना, कुछ नहीं जाएगा आपका, आपको डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी इस वीडियो से इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी मोटिव लगी तो आपको पता क्या करना, लाइक सब्सक्राइब, तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।